हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बाटी बनाऊंगी। बाटी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा केजी है आटा और ये 2 चम्मच इसी से है सूजी, ये बेकिंग सोडा आधा चम्मच, एक चम्मच है नमक और आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच जवाइन, ये सब मैं इसमें मिक्स करूंगी। पहले मैं सूजी डालूंगी इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, अब मैं इसमें डालूंगी नमक और ये बेकिंग सोडा। और ये जवाइन इसको थोड़ा हाथ से इसे मसल देंगे तो इसकी खुशबू जो है हमारे आटे में बढ़ जाएगी। ऐसे ही क्रिस करके डालें, इतना महक रहा है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से ऐसे मिला लेना है। अब मैं इसी से डालूंगी 2 चम्मच ऑयल डालूंगी, 1 चम्मच और डालूंगी। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चम्मच से अच्छे से नहीं मिल पाएगा। अब मैं इसको हाथ से मिलाऊंगी। ऐसे ही अच्छे से मिला लूंगी। ताकि अच्छे से मिल जाए। अब ये मेरा मिश्रण अच्छे से मिल गया है। अब मैं पानी लूँ, थोड़ा थोड़ा ही डाल के इसे गूंथना है। इसको ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही डालें, नहीं तो हमारा ये आटा गीला भी हो सकता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा ही डाल के इसको मिलाऊंगी ऐसे, और धीरे धीरे इसको मैं गूंथूंगी ऐसे। अभी और मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। ये मेरा अच्छे से गूंथ उठे। अभी और इसमें पानी लगेगा। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, ताकि मेरा ये अच्छा से आटा तैयार के होके गूंथ उठे। थोड़ा थोड़ा ही मैं पानी इसमें डाली हूँ। अब मेरा ये आटा बनके अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगा के ऐसे ही इसे लगा के इसे आटे में थोड़ी देर के लिए इसको मैं ऐसे ही ढक के रख दूंगी। ये मेरा आटा अच्छे से मुलायम होके तैयार हो जाए बाटी बनाने के लिए। तो आइए मैं अब इसका मिश्रण भरने के लिए तैयार करती हूँ। बाटी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम लिया है बेसन, और ये भुना हुआ चना है जो मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और ये 2 बारीक कटी हुई प्याज है, ये अमचूर पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये अदरक है, ये कटा हुआ लहसुन है, ये कटी हुई मिर्च है, और ये हरा धनिया है। ये सब मैं बाटी बनाने का मिश्रण आपस में मिला के तैयार करूँगी। इसमें मैं इसी से 2 चम्मच तेल डालूंगी, ताकि ये मिश्रण हमारा मुलायम हो जाए भरने के लिए। इसमें मैं इसी से 2-3 चम्मच
पानी डालूंगी ताकि ये पेस्ट जो है मुलायम हो जाए, गीला ना होने पाए, इसलिए हमें ध्यान देना है कि थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। मेरा बाटी का मिश्रण एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है देख सकते हैं आप लोग, बहुत टेस्टी है ये। अब ये मेरा बाटी का आटा है जो तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे से फिर थोड़ा मैं गूंथ लेती हूँ ताकि मुलायम हो जाए, और इसको मैं अब बना के मिश्रण को इसमें भर के दिखाती हूँ। इसके लिए हमें छोटा छोटा ऐसे पीस लेना है और ऐसे ही बना लेना है टिक्की। ऐसे दो चार टिक्की मैं बना लेती हूँ। मैं इसको कैसे भरना है वो आपको दिखाती हूँ। ऐसे मैंने एक टिक्की बनाई और इसमें एक चम्मच इसी से भर दी हूँ। अब इसको कैसे मैं फोल्ड करूँगी, ऐसे ही आपको चारों तरफ से ऐसे फोल्ड करना है और बीच से ऐसे ही आपको बंद कर देना है, और फिर ऐसे ऐसे आपको बॉल की तरह बनाना है और बीच से ऐसे थोड़ा सा दबा देना है। ऐसे ऐसे ही मैं सब बाटी भर के बना लेती हूँ। अब मेरी सारी बाटी बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसको बाटी मेकर में रख के पकाऊंगी। अब सब मैं बाटी को इस मेकर में रख दूंगी पकने के लिए। ऐसे ही सटाके में नहीं रखना है, थोड़ा पास पास में ऐसे ही रखना है। अब मैं सारा स्टैंड में बाटी एक तरफ से रख दी हूँ। अब इसको मैं गैस ऑन कर दिया है मीडियम में। अब इसको मैं ढक्कन से ढक दूंगी। अब ये मेरा धीरे धीरे 2 से 3 मिनट तक पकेगा, फिर उसके बाद मैं इसको खोल के देखूंगी। मेरी बाटी ये बनके एकदम से रेडी हो गई है, ये पूरा अच्छे से सिक गई है, गोल्डन ब्राउन एकदम अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे से पक के एकदम तैयार हुई है। मेरी अच्छे से ये पक गई है सारी बाटी। अब मैं इसको निकाल के अच्छे से सर्व करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने सर्व कर लिया है। अब मैं बाटी के ऊपर घी डालूँगी, ऐसे ऐसे लगा दूँगी, और ये खट्टी चटनी है। आप इसमें अच्छे से मिला के चोखे में खाएंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा लगेगा। मीठी खट्टी आप लोग अपने अनुसार खा सकते हैं, लेकिन खट्टी चटनी का टेस्ट कुछ और ही अलग होता है, इसलिए हम लोग इसमें खट्टी चटनी के साथ खाएंगे। और यह हमारा वीडियो आप लोग को कैसे लगा है, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।